नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। नदी बचाओ अभियान कोई धरना या विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये अभियान जन मानस को जागृत करने के लिए है। हमारी नदियां सूख रही हैं, हर वह इंसान जो पानी पीता है उसे इस नदी अभियान में अपना सहयोग देना होगा। नदी बचाओ अभियान नदियों को बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य सकारात्मक नदी निधि नीति जिसमें नदियों का सीना छनी कर होने वाले अवैध रेत उत्खनन पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जनसंघ समर्थन जुटाना और सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। कई नदियां तेजी से सूख रही हैं, अगर हम सभी कदम नहीं उठाएंगे तो वे विरासत में हमें अगली पीढ़ी को सौंपेंगे। वे संघर्ष और अभाव से भारी होगी। इन नदियों ने हमें हजारों सालों तक पोषित किया है, अब समय आ गया है कि हम इनको पोषित करें और इन्हें स्वस्थ बनाएं। ये बात डॉक्टर गोविंद सिंह पूर्व सहकारिता मंत्री ने सेवड़ा विश्राम घेर में प्रेस वार्ता में कही। सेवड़ा के तहसील के वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित थे। दतिया जिले में भगुआपुरा से लेकर सोड़ा तक हमारी यात्रा है 11 सितंबर को। उसमें हमारे बीवी राजगोपाल जी जो गांधीवादी विचारधारा विचारक हैं, एकता परिषद के संस्थापक हैं, बप्पू मुखर्जी दिग्विजय सिंह जी भी इस यात्रा में शामिल। 11 तारीख से चालू हो गई यात्रा, 11 को समापन है। चूँकि उम्मीद है कि 11 को आचार संहिता लग सकती है, इसलिए हमारी यात्रा 13 दिन की थी, हमने 2 दिन घटाया है और 5 दिन भिंड जिले में आखिरी समापन सनक नंद समितुआ के नदी के किनारे हम करेंगे। और नदियों को बचाने का ये सत्र है, हम जनता से और किसान भाइयों से अपील है कि आगे आने वाले पीने का पानी का संकट होगा, आने वाली पीढ़ी हम लोगों को पोसेगी, इसलिए और किसानों को जब पानी नहीं रहेगा जिसमें तो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल नहीं चल पाएगा। बीजेपी कहती है कांग्रेस की सरकार थी तभी तो रेत का उत्खनन हो रहा था। कांग्रेस की सरकार थी तभी, गोविंद सिंह ने जानकारी आपको हो।